अपने पास आ गए यहाँ पे अमेजोन की तरफ से एक केस एक कवर। अभी आप बोलोगे एक कवर के लिए एक वीडियो, लेकिन ब्रो ऐसा नहीं है। ये जो कवर है ये स्पेशल कवर है। इसको यूज़ करने के बाद आपको एक्चुअल में फील होगा कि आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ आप फ़ोन को बल्की बनाते हो या मोटे मोटे कवर्स लगाते हो, उसकी जो लुक है, लुक जो फील है उसकी, वो ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। आई ट्राई कि इस कवर के साथ वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अभी हम जो मोस्टली कवर यूज़ करते हैं उसके अंदर एक चैलेंज आता है कि आपके फ़ोन की जो लुक है, जो ओरिजिनलिटी है, जो फील है जिसके लिए एप्पल जाना जाता है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये कवर लगाया है, सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है, फ़ोन को पूरा प्रोटेक्ट करता है, बट स्टिल थोड़ा सा फ़ोन बल्की हो जाता है और फिर मतलब मज़ा नहीं आता। इससे थोड़ा बेटर होता है ये वाला कवर, बिकॉज यहाँ पे जो लुक है फ़ोन की वो दिख जाती है, फील नहीं होती है, लेकिन हाँ दिख जाती है कि भैया आपने कौन से कलर का फ़ोन लिया है। और यू कैन एक्चुअली फील, यू कैन सी कि हाँ भैया आपका फ़ोन ऐसा है। प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, बम्पर पे एजेस वगैरह भी हैं, आफ्टर मार्केट आपको 200-300 का कवर मिल जाता है ये। अब देखो एप्पल डिवाइसेस की जो फील है वो आती है ऐसे, मतलब कोई भी केस नहीं, कोई भी कवर नहीं, सिंपल फ़ोन को आप यूज़ करो। ऐसे यूज़ करने में काफ़ी ईज होता है, काफ़ी मज़ा आता है, बट यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और यहाँ पे फ़ोन गिर गया, छूट गया, तो इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या जो रिपेयर कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि उसमें आप कोई और MI का या फिर कोई और एंड्रॉयड डिवाइस खरीद सकते हो। तो भाई अपने को कोई ऐसा कवर चाहिए था जो दोनों काम करे, मतलब फील भी रिटेन करे और ओरिजिनलिटी जो है वो भी रहे। अभी काफ़ी टाइम से सर्च करने के बाद मेरे को ये कवर मिल गया यहाँ पे ESR स्टोर की तरफ से। रेटिंग काफ़ी अच्छी है, तो आप इस कवर को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, Amazon पे अवेलेबल है ये। तो फिलहाल ये जो कवर है ये अपने पास आ गया यहाँ पे हाथ में मेरे, और इसको पहले अनबॉक्स करते हैं, लगा के देखते हैं कि एक्चुअल में जो ये बोलते हैं, जो ये ESR कंपनी है जो क्लेम करती है, वो चीज़ यहाँ पर रिटेन होती है कि नहीं। वेल सर, तो इसको कट कर लेते हैं यहाँ से ओपन करने के लिए। और ये आपका क्या ESR प्रोटेक्टिव फ़ोन केस, कुछ चाइनीज़ है या कोरियन है वो समझ में नहीं आ रहा कौन सी भाषा है, बट स्टिल यहाँ पे लिखा हुआ है रिलायबल प्रोटेक्शन हो गया। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, परफेक्ट फिट है, वो हम लगा के देखेंगे। तो ये यहाँ पे अपने पास आ जाता है केस, यहाँ पे कुछ मैनुअल्स आ जाते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है, और ये प्राइस वगैरह है ये सब अपन बाद में देखेंगे। अभी हम सबसे पहले केस को बाहर निकाल लेते हैं। वेल तो केस यहाँ पे ऐसा दिखता है, हाथ में आने के बाद काफ़ी लाइट सा फील होता है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि एल्युमिनियम का फ्रेम है। तो इसकी खासियत क्या है, मेन चीज़ अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो कॉम्पोनेंट है, अंदर एक आपको रबर की फ्रेमिंग मिल जाती है, फिर जो बम्प्स आते हैं आपके फ़ोन पे गिरने पे उससे प्रोटेक्ट करता है, और उसके ऊपर आप देखो यहाँ पे तो एल्युमिनियम की एक सिल्वर कलर की बैंड है। ये दो कलर में आता है, ब्लैक और ग्रे, सॉरी ये दो कलर में आता है, सिल्वर और ग्रे, तो आपके आईफोन्स के साथ मैच कर जाएगा। और ये मतलब ऐसे तो काफ़ी लाइट फील हो रहा है, लेकिन इसको एक्चुअल में फ़ोन में लगा के देखते हैं कि वहाँ पर इसकी फीलिंग कैसे आती है। वेल यहाँ पर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा उठा हुआ है, मतलब सरफेस से, बिकॉज यहाँ पर बम्प्स दिए हुए हैं, यू कैन सी हेयर। तो ये बम्प्स बेसिकली यहाँ पे काम में आते हैं इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, इसके जो कैमरा सरफेसेज हैं उनको बचाने के लिए। तो यहाँ पे कैमरा वगैरह भी अगर फ़ोन आप सरफेस पे रखते हो तो वहाँ भी फ़ोन आपका प्रोटेक्टेड रहता है। यहाँ पे आपको ESR की ब्रांडिंग दिख जाती है, आई डोंट नो आपको वीडियो में दिख रही है कि नहीं, बट हल्का हल्का सा जो प्रिंट आ रहा है ये ESR की ब्रांडिंग है यहाँ पे। और इसमें इशू क्या होता है कि बहुत लोगों ने ये कंप्लेंट डाला है कि इसको लगाने के बाद जो नेटवर्क होते हैं वो काफ़ी हिल जाते हैं, और आपके फ़ोन की जो सिग्नल रिसेप्शन की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है, और मतलब बिल्कुल लो नेटवर्क जोन में आप जाते हो तो शायद वहाँ पे आपके नेटवर्क गायब भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है बिल्कुल ज़ीरो है और कुछ भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको इस फ्रेम को अलग नहीं करना है, रबर को अलग नहीं करना, दोनों बिल्कुल अटैच जो है, बिल्कुल चिपके हुए एक दूसरे से, तो ज्यादा हेडेक नहीं है यहाँ पे। अब इसका फिट चेक कर लेते हैं कि ये फिटिंग कैसी है इसके इस फोन के साथ। तो ये मैं फोन को यहाँ पे असेंबल कर लेता हूँ, तो बटन से इस साइड है, बटन को इधर करते हैं, और फोन को आपको सॉफ्टली यहाँ पे प्रेस करना है वन टाइम कि भाई जो शेप है आपके कवर का वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये वाला फ्रेम भी घुसा दिया हमने, ये रह गया, ओके डन डन डन। एंड कमाल का ये यहाँ पे जो मैं कह रहा था पहले कि आपकी जो फील है वो भी आपको आ रही है, और जो प्रोटेक्शन है वो भी आपको पूरा आ रहा है इस कवर के साथ। और बैंड जो है मतलब सिल्वर कलर का है, तो जो फ़ोन की एक्चुअल बॉडी का कलर है उसको भी मैच करता है, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपने कुछ अलग से लगा रखा है।
फ़ोन को बिल्कुल भी बल्की नहीं करता है, फ़ोन काफ़ी स्मूथ रहता है यहाँ पे। और ये देखो, अगर मैं फ़ोन को सरफेस पे रखता भी हूँ तो यहाँ पे इसका जो कैमरे का एज है वो भी प्रोटेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पे चारों कॉर्नर पे बम्प दिए गए हैं। तो यार, कवर जैसा अपील करता है कंपनी जो क्लेम करती है, वो तो यहाँ पे काम होता हुआ दिख रहा है अपने को। सिग्नल की बात कर लें तो सिग्नल में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बिकॉज पहले मैंने देखा था, पहले भी मेरे दो सिग्नल आ रहे थे, अभी भी दो सिग्नल है, तो इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट नहीं है। अगर आप ऊपर टेम्पल स्क्रीन वगैरह लगाते हो तो काफ़ी एरिया मिल जाता है आपको, तो ऐसा नहीं है कि ये उसके साथ कोलाइड करेगा या फिर टेम्पल स्क्रीन को डैमेज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसके यहाँ पे कटआउट हैं काफ़ी परफेक्ट है, मतलब आप देखो होल टू होल कटआउट से यहाँ पे पूरा मैच करते हैं। यहाँ पे बात करें तो आपका पावर रॉकर बटन मिल जाता है पीछे, आपके अदर साइड में वॉल्यूम लगा दो रॉकर बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका ऑन ऑफ का स्विच अंदर सेफ्टी से रखा हुआ है। माइक के कटआउट्स भी यहाँ पे ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट हैं, यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो कॉर्नर के बम्स हैं वो आपके कैमरे को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। ये आप देखो, ये उठा हुआ है, यहाँ पे ये उठा हुआ है। तो कटआउट, बम्प्स, फिटिंग, कम्फर्ट काफ़ी कमाल का है यहाँ पे। वेल, सो दैट्स ऑल अबाउट द कवर, द केस, द बम्पर कवर ऑफ आईफोन 11। ये 11 के लिए भी है, 12 के लिए भी है, XR के लिए शायद आपको ना मिले, लेकिन आप ढूंढोगे लोकल मार्केट में तो मिल जाएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, कवर और ये चैनल भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और बस आपका प्यार ऐसे बना रहा है। कुछ कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।